नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। एक नई उम्मीद और एक नई जुनून के साथ आज से शुरू करेंगे हम बाल विकास मनोविज्ञान। आपकी डीएलएड और टेट सीटेट परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ध्यान से देखिएगा इस क्लास को और एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका नेक्स्ट अध्याय जरूर देखिएगा अगले दिन इसी टाइम पर और बिल्कुल इसी वक्त पर। थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। दोस्तों आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है भाई, यहाँ पर अधिकार होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद पहला है 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो शामिल किया गया है वो भारतीय संविधान के 21A में आता है, ठीक है। 21A में, भारतीय संविधान के 21A में यह अधिकार दिया गया भारतीयों को कि बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपकी सभी आगामी टेट परीक्षाएं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट और मतलब कि हर एक टेट परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? क्रिस का है यानी कि दुर्बल, सुडौल का है, गोल का है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये सभी प्रकार हैं उनके, ठीक है, सभी प्रकार हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा था, जिसमें तीन भाग निम्नलिखित हैं। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? कौन कौन? गोल काय, सुडौल काय, क्रिस काय, ये सभी हैं, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? यानी कि जो TAT होता है भाई, ये TAT आपका मुख्य रूप से किसको नापता है? तो आप जानते होंगे अभिक्षमता नापता है। क्या नापता है? अभिक्षमता, ठीक है। मतलब इसका समझिएगा, TAT का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? अभिक्षमता नापना होता है। TAT अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह व शर्मा ने किया था। कौन किया था? सिंह व शर्मा ने। अगला देखिएगा, तो संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत जो होता है आपका वो अधिगम स्मृति और अभिप्रेरणा सृजनात्मकता में करता है, ठीक है। इसे आपके ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्मृति, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्मृति। और कैसे होगा स्मृति? संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन का कार्य करता है। समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड में क्या है भाई, पांचवा में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ और उसके आगे आप देख रहे होंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है, मनोविज्ञान की सर्व अधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो कौन सी माध्यम है भाई शिक्षा? हो अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं, ए वाला हो जाएगा, यानी कि अंतर्दर्शन। और क्यों हो जाएगा ये भी आप यहाँ पर समझ लें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट या व्यक्ति के जीवन के इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके इतिहास में क्या क्या गुजरा हुआ है, सब जानकर तो निष्कर्ष निकालते हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने ये दिया गया है भाई, तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं ये क्या कह रहा है। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा आपका जो संबंधित है वो किससे है भाई? एल्बर्ट बंडूरा आपके किससे संबंधित हैं मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे मार्कर और रखकर कितना निकल रहा भाई। तो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं?
सभी लोग अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं इसके पहले जब तक हम बोलते हैं। तो आपको बता दें ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। और कैसे हैं? देखिए वास्तव में बात ये है कि एल्बर्ट बंडूरा जो है ये 1963 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके हैं। कब किए हैं? 1963 ईस्वी में। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि सत्यापन किए हैं एल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, इसका यही कारण है। नंबर अगला, अधिगम वक्र में पठार बनता है, कौन सा बनता है और क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण बनता है, अभिप्रेरण के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, अभिरुचि के कारण बनता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो किस कारण से बनता है, वो आपका मुख्य रूप उसका होता है थकान। ठीक है, अधिगम वक्र में पठार बनने का मेन कारण होता है थकान। नंबर सी ऑप्शन, क्यों? क्योंकि सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती, सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं होती है, सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है, इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। आप लोग जानते होंगे अगर आप पढ़ते होंगे तो हमेशा उतना याद नहीं होता है, अगर आप सुबह के समय पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा याद होता होगा, शाम के समय अगर पढ़ते हैं तो कम याद होता होगा क्योंकि आप थक जाते हैं, सुबह अगर 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका यही सभी कारण होता है भाई। ठीक है, तो आगे चलें हम लोग। देखिए अगला आप देख रहे होंगे यहां पर, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? बुद्धि के मापन के लिए, व्यक्तित्व, तो अभिक्षमता या अभिरुचि? तो आप सभी लोग इन सभी मात्रकों को सुने होंगे और जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, क्यों व्यक्तित्व मापन के लिए? आखिर क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लाउड पिक्चर जो होता है वो, यानी कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट वो व्यक्तित्व को मापने के लिए ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16 PF और रेवन का परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण, तो इसमें से कौन भिन्न है भाई? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर, ये जो रेवन का परीक्षण है सबसे भिन्न है। रेवन का परीक्षण क्यों भिन्न है, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो TAT 16 होता है, जो TAT होता है आपका और 16 PF होता है, यानी कि ये दोनों TAT और 16 PF तथा ये ड्रा ए मैन परीक्षण, ये तीनों एक प्रकार के व्यक्तित्व का परीक्षण है। किसका परीक्षण है? व्यक्तित्व का परीक्षण है। जबकि ये जो आपका देख रहे हैं रेवन का परीक्षण, ये अशाब्दिक का परीक्षण करने के लिए प्रयोग होता है। किसका? अशाब्दिक का। इसलिए आप समझ गए होंगे भाई, ये दोनों और ये किसका परीक्षण करते हैं? व्यक्तित्व का। जबकि रेवन जो है ये आपका अशाब्दिक का परीक्षण करता है, यानी कि ये क्या है, उन दोनों से, तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन चलें तो 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? आप सभी जानते होंगे माध्यिका निकालने का बाबू एक छोटा सा सिंपल सा सूत्र होता है, वो क्या होता है? N/2। देखिए यहाँ पर भाई मिट जाता है जब तक हम लिखते हैं, तो आपको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बात करूंगा एकेडमी से क्यों मिट जाता है, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। N/2 होता है, यानी कि N/2 वह पद होता है, आप N का मान रख देंगे, चूंकि टोटल कितनी संख्या 6, 6/ क्या रख देंगे 2, तो टोटल क्या आ जाए आपका, आ जाएगा 3, और 3 मतलब कि 9.5 पद हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए, यानी कि 9वां पद हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, और सॉरी 9 नहीं होगा भाई, 9.5 होगा, क्योंकि इसके बीच का आएगा ना आधा, हाफ आएगा, हाफ हाफ। ठीक है, क्लियर, तो आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने किया, गेस्टाल्टवादी ने किया, या फिर हेगार्टी ने किया, या स्किनर ने किया? किसने किया? तो भाई इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, ये जो इसका प्रतिपादन किया था उन्होंने गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी बता दें। तो अधिगम से संबंधित सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, और जिसमें वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्क कोपटा प्रमुख हैं, यानी कि इसमें प्रमुख कौन कौन से थे, दो प्रमुख थे, कुर्क कोपटा और वोल्फगैंग कोहलर। बात समझ में आई ना?
तो ये हमारे समझ से तीनों स्लाइड आपकी पूरी हो चुकी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, और आप अनअकैडमी पर पीबीआर स्टडी को फॉलो करें, इसके अलावा यूट्यूब में भी पीबीआर स्टडी को फॉलो करें। थैंक यू। मैं राजकुमार यदुवंशी, फिर मिलूंगा नए चैप्टर के साथ और आपके इंडिविजुअल मैथ के साथ। ये आप देख रहे थे बाल विकास मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।